The families are going there to work, and the children are looking after their houses. The girl child mostly are busy in household chores, and the boys mainly they are involved in the businesses, the small businesses of their family. So it can be a cause of a dropouts from the schools and can increase the child labor. This is a vicious cycle of poverty makes. What is social media? Social media एक ऐसा platform है जहाँ पे हम अपने views, अपने thoughts और express करते हैं all over the world और लोगों से interact करते हैं, communicate करते हैं और globally और local. और इसके example कुछ हो सकते हैं Facebook, WhatsApp, Twitter. सोशल मीडिया का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हमारे लाइफ में सोशल मीडिया. जैसे कि कभी कभी हम लोग फ़ोन चलाते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा एंगर शूट पड़ गया होता है. जैसे पबजी खेलना, इन सबसे बहुत ज़्यादा एंगर शूट पड़ गए हैं, लोग डिप्रेस हो गए हैं, लोग का सेल्फ एस्टीम लो हो चुका है. तो ये सारे रोल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्ले कर देता है अपनी लाइफ. रियल वर्ल्ड से एक्चुअली हम लोग ने कनेक्ट करना कम कर दिया है. साइकोलॉजिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में हम लोग एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने लोग हैं, कितने रिलीजन हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू जान सकते हैं. कौन सी न्यूज इस टाइम करंट में है, क्या नहीं है, कैसे लोग हैं, कैसे नहीं है, सब हम लोग एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं. नॉलेज एक्सपैंड होती है, हम लोग कुछ भी सर्च करना होता है हमें गूगल का. वी कैन से इट हैम्पर्स द सोशल, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. It takes away the chance to grow and develop as a skillful individual. Thus, unskilled group of people work at a lower wage and के साथ confidence के साथ में आओ, रुको मत, ठीक है? कभी एक बार कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे बोलेंगे, ठीक है? टॉपिक आपका जो होगा कल ही डिसाइड हो जाएगा, पूरा हफ्ता मिलेगा, इजीली डेली एक एक घंटे दोगे तो सैटरडे के लिए ना तुम एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया होगा, ठीक है? और कुछ पूछना है? कोई और कुछ नहीं? तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले आप जो मैटर लेकर आते हैं, ये तो मैं प्रोवाइड करता हूं, ठीक है? तो मैटर आप काफी सॉफ्ट मैटर है, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब आप प्रेजेंट देते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो इसका बिल्कुल मत प्रयोग करिए, पता चल जाएगा आपके अपने शब्द नहीं है, आपने चुराए हैं. जब आप हाथ नहीं हिलाते तो आप अपने शब्दों से बोलते हो, ठीक है? तो हाथ करेगा. दूसरी चीज क्या है कि अगली बार से सर और हम लोग मिलकर क्या करेंगे कि वो जो मैटर आपको दिया जा रहा है प्रेजेंट करने के लिए, सबके पास में पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आप पढ़ लेंगे तो काफी बेटर उसको समझ पाएंगे. वैसे कल हो गया था, शायद इंग्लिश में हुआ था, ठीक है? अभी हिंदी में भी आपको हो जाएगा तो चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी. अच्छा, कोई और डाउट है इससे रिलेटेड? पहली बार लगभग आप लोग यहाँ खड़े होकर के बोले होंगे इस क्लास में, बाकी तो हो सकता है आपने अभिनय बहुत किए हो अपने स्कूल कॉलेज में, है ना? तो आज आपका अभिनय हमने देखा और बहुत अच्छा अभिनय रहा, स्टार्टिंग में सूर्यांश का भी रहा. ऋतिक एकदम नए हैं अभी, ठीक है? अभी बहुत कम इंटरेक्ट हुए हैं सर से भी, हमसे भी, और ऋतिक ने भी बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन किया. साथ में सिद्धार्थ भी रहा, नंदेन भी, और आस्था, और साथ में ज्योत्सना, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है. अब कौन बहुत अच्छा है, कौन कम अच्छा है, मेरी नजरों में ऐसा कुछ नहीं, सभी लोगों ने एक्सीलेंट किया है. और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आपने उस टॉपिक को पढ़ा तो, कम से कम उस टॉपिक में चार घंटे लगाया तो, कम से कम आपको ये डर तो था कि कल जाएंगे तो सब पूछेंगे तो बताएंगे क्या, कम से कम सोशल मीडिया में था, गूगल पे डाल करके, अरे सर ये पॉइंट वो पॉइंट, अपने दोस्तों से यार इसमें कोई मैटर दीजिए. अरे यही होता है जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं और जो मेन्स एग्जाम आता है मैटर नहीं होता, ठीक है? मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिस समय पर मेन्स का एग्जाम होता था उसमें हाइपरटेंशन, माइग्रेन पेन, चक्कर आना, ये सब शुरू हो जाते हैं. और क्यों होता था? क्योंकि जो आज आप कर रहे हो ना, हम प्री क्वालिफाई होने के बाद जब दो महीने एग्जाम रह जाता तब तक नहीं करते,
स्टार्टिंग में पहले दो एग्जाम मेरे मेल से तो ऐसे ही निकल, तो ये आपने बहुत अच्छी शुरुआत सर ने करी है और सबको तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जाहिर बात है मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं है, बस अर्थ छह लोगों ने बहुत अच्छा किया है, मैं